उछल कूद हुई तुम्हारी वानर, अब रावण की मायावी शक्तियों का सामना करो। रावण के दस शीश। उतावलेपन में आकर महाराज सुग्रीव रावण से भिड़ गए, किंतु इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। रावण की मायावी शक्तियों से कैसे बचेंगे महाराज सुग्रीव? कैसे बचा महाराज सुग्रीव तो घिर गए हैं, अपना बचाव कैसे करेंगे? रावण तो अपनी मायावी शक्तियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वास्तविक रावण कौन सा है? वार किस पे करूं? अब मेरे शस्त्रों से नहीं बचोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हनुमान समय आ गया है, प्रस्थान करो। जी प्रभु। मेरी माया के प्रभाव को भंग कर एक और अपराध किया है तुमने, उसका दंड तुम्हें अभी देगा रावण। युद्ध की प्रतीक्षा करो रावण, वास्तविक युद्ध कौशल से तुम्हारा परिचय रणभूमि में होगा। क्षमता है तो वहां परास्त करना मुझे। मुकुट ले गया धूर्त वानर। प्रभु, मैं उस दुष्ट रावण का राजमुकुट ले आया हूं। मित्र सुग्रीव, यदि ये मुकुट लाने के कारण आपने इस उतावलेपन का प्रदर्शन किया है तो ये मुझे कदापि नहीं चाहिए। मित्र सुग्रीव, राजा धैर्य को उतावला हो जाए ये कदापि उचित नहीं है। मित्र सुग्रीव, रावण के निकट जाकर आपने जो किया है वो एक राजा के अनुरूप आचरण नहीं था। मित्र सुग्रीव, मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, परंतु उस दुष्ट रावण को देखकर मैं अपनी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। रावण, आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, परंतु आपका मंत्री होने के नाते आपको यह स्मरण कराना मेरा कर्तव्य है कि एक राजा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है, क्योंकि राजा पर ही सेना और प्रजा का सम्मान निर्भर होता है। यदि आज आपको कोई क्षति पहुंचती तो हम युद्ध करने से पूर्व ही पराजित हो जाते। हाँ महाराज सुग्रीव, राजा की पराजय तो संपूर्ण सेना की पराजय होती है। मित्र सुग्रीव, यदि आज आपको कुछ हो जाता
तब भी मैं रावण का वध करके सीता को मुक्त करा लेता। महाराज विभीषण को भी लंका के राजपथ पर स्थापित करवा लेता, परंतु इस विजय का सुख मुझसे छिन जाता। महाराज सुग्रीव जैसे मित्र को खोकर मेरा जीवन नीरस हो जाता। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज सुग्रीव, आप पुनः ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे, ये वचन दीजिए मुझे। मैं वचन देता हूं प्रभु। प्रभु अब तो इस राजमुकुट को स्वीकार कर लीजिए। महाराज विभीषण, यहां पहुंचने के पूर्व मैंने आपका राज्य अभिषेक किया था और यहां आने के पश्चात आपको राज मुकुट भी प्राप्त हो गया। शीघ्र ही आप लंका के राज सिंहासन पर भी विराजमान होंगे। सब आपका ही आशीष है प्रभु। महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। पूर्ण विश्वास है महाराज विभीषण कि आप लंका के राजकाज का दायित्व धर्मोचित मार्ग पर चलकर निभाएंगे। बहुत भारी पड़ना चाहिए मायावी बेतुत जीवा। करो यथाशीघ्र उस राम का कटा हुआ शेष और उसका वो खंडित कोदंड धनुष और बाण उत्पन्न करो। ये देखेगी वो सीता तो उसे अवश्य विश्वास हो जाएगा कि उसका राम अपने काल से भेंट कर चुका है। हताश होकर मुझे स्वीकार कर लेगी वो। विश्वास है मुझे कि अवश्य सफल होगी मेरी ये युक्ति। वृक्षों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु आप माता सीता के लिए चिंतित हैं ना? आप मुझे उन तक पहुंचाने के लिए कोई प्रतीक चिन्ह दीजिए जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि आप वानर सेना के साथ उन्हें लंका से ले जाने आए हैं। तब लंकेश रावण किसी भी प्रकार माता का मनोबल नहीं तोड़ पाएगा। प्रभु
हनुमान, तुम सत्य कह रहे हो। मेरा प्रतीक चिन्ह पाकर सीता का विश्वास सुदृढ़ हो जाएगा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीता का विश्वास अभी भी अडिग होगा। नंदनी, तुम्हारी दृष्टि जिसे सुवेल पर्वत पर ढूंढ रही है वो वनवासी उधर नहीं, इस थाल में है। दक्ष सेविकाओं, इनके प्रिय उस वनवासी को इनके समक्ष प्रस्तुत करो। आप को साथ लेकर मेरी समेत लंका में प्रवेश करने के दुस्साहस का भयंकर दंड दिया है मैंने इसे। कल रात्रि ये नर, इसका भाई और वो रक्षक वानर गहन निद्रा में थे, तब मेरे सेनापति प्रहस्त और रक्ष वीरों ने आक्रमण करके एक ही वार में इसका शीर्ष धड़ से अलग कर दिया। सुग्रीव भी ग्रीवा विहीन हुआ और गदा के प्रहार से तुम्हारे उस उद्दंड वानर का मस्तक चूर चूर होने के पश्चात इसका भी अंत हुआ। इसका भाई निद्रा टूटने के पश्चात अपने प्राण बचाने के लिए शेष वानरों को साथ लेकर भाग गया, अन्यथा उसका शीश भी तुम्हारे समक्ष होता। इसका ये कोदंड धनुष, अमोघ बाण, कोई भी इसकी रक्षा नहीं कर सके। अब हट छोड़ दो सीता, अब ये वनवासी भी जीवित रहा नहीं, बन जाओ मेरी पटरानी, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। बंद करो ये अनर्गल प्रलाप, त्रिजटा कह दो इस दुष्ट से, मेरे स्वामी के भय से मुझे छलने की मूर्खता कर रहा है, मेरी आशा और अधिक बलवती हो गई है कि ये धूर्त का सर्वनाश निश्चित है, सर्वनाश निश्चित है।
प्रतीत होता है अपने पति के शीश को देखकर ये विक्षिप्त हो उठी है। विक्षिप्त? विक्षिप्त तो ये हो गया है भय के मारे। इसे ये ज्ञात ही नहीं कि मैं और मेरे स्वामी श्री राम दो देह एक प्राण है। मैं जीवित हूं ये प्रमाण है इस तथ्य का कि मेरे स्वामी श्री राम पूर्णतया सुरक्षित है। ये है इस लंकेश के झूठ का प्रथम पटाक्ष। सीता, जिन लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक ना सोने का प्रण लिया है उसे ये मूर्ख लंकेश निद्रा मग्न बता रहा है। ये है इसके मिथ्या संभाषण का द्वितीय पटाक्ष। सीता, जिन महाबली हनुमान ने अकेले ही इस संपूर्ण लंका के महाबली राक्षसों का, यहाँ तक कि स्वयं लंकेश के पराक्रमी पुत्र अक्ष कुमार का संहार किया, उन महाबली हनुमान को मृत बताना, ये है इस कपटी के कपट का तृतीय पटाक्ष। किंतु हनुमान, तुम ये कार्य बिना किसी को ज्ञात हुए कैसे करोगे? तुम्हारा इस प्रकार वहां जाना उचित नहीं होगा। प्रभु, मैं स्वयं वहां नहीं जाऊंगा, किंतु ये सुनिश्चित करूंगा कि ये रुद्राक्ष और आपका दिया संदेश माता तक अवश्य पहुंच जाए। जिनके प्रतापी हाथों में आकर अटूट शिव धनुष भंग हो गया, उनका टूटा हुआ धनुष दिखाना, यह है लंकेश का चतुर्थ झूठ। जिन प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र ने बला और अति बला नामक शक्तियां दी है, जो सुप्तावस्था में भी शत्रु को भाप कर उस पर आक्रमण कर देती है, उन पर सुप्तावस्था में आक्रमण, इस विक्षिप्त रावण का ये था पंचम झूठ। मेरी पतिव्रता धर्म के समक्ष मिथ्या भाषण और मिथ्या माया का कोई अस्तित्व नहीं। रावण, इस झूठी माया के प्रदर्शन तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम कितने भयभीत हो मेरे स्वामी श्री राम से। अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट पहुंच चुकी है। मेरे स्वामी और सेवक हनुमान के रूप में किसी नर या वानर में इतना सामर्थ्य नहीं जो रावण को भयभीत कर सके। मैंने वानरों के राजा सुग्रीव को उसकी पूछ पकड़ के ही पटका था, किंतु छोड़ दिया था उसे। सोचा था कि उन तुच्छ नर और वानरों का वध करने में कौन सा पराक्रम, इसलिए मैंने इस माया की रचना की। कदाचित तुम मान जाओ, किंतु नहीं, तुम्हें सत्य में ही उस वनवासी का कटा हुआ शीश चाहिए। उचित है, तुम्हारा ये हट इसी प्रकार तोड़ेगा ये रावण। प्रतीक्षा करो। आगे नहीं जा सकता मैं। रावण वध से पूर्व मैंने आगे न जाने का प्रभु को वचन दिया है। मुझे कोई अन्य प्रकार से प्रभु का संदेश और ये रुद्राक्ष माला माता तक पहुंचानी होगी। वायुदेव,
नाम वायुदेव। गुरुदेव आपसे विनती है, ये रुद्राक्ष माला आप माता सीता तक पहुंचा दें। किसी भी विपदा को व्यक्ति अपने त्वरित बुद्धि से टाल सकता है।